पहले कभी नहीं गुनगुनाए। आपकी तालियों की गूंज में जनाब प्रोफेसर तारिक फिरोज। मोहब्बत के तार, मोहब्बत के तार सारे मैंने मोहब्बत लगाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौम الدين, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जनाब प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक शाह साहब, जनाब स्टाफ सेक्रेटरी प्रोफेसर ताहिर अशरफ साहब, मोजज़ रुफ़क़ाए कार, मैं आज घर से बहुत खुश होकरम आया था, लेकिन कादरी साहब की और इकराम साहब की बातों ने कुछ जज्बाती कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये शानदार तकरीब मुनक़िद करने पे जनाब स्टाफ सेक्रेटरी प्रोफेसर अयूब साहब, एक नाम भूल के दूसरे को, और प्रोफेसर डॉक्टर राउत साहब जो आप मुझे नजर नहीं आ रहे, और जनाब स्टाफ सेक्रेटरी, इन तीनों का बहुत मशहूर हूं जिन्होंने इस तकरीब के इनेकाद को मुमकिन बनाया। चूंकि अभी बात हो रही थी कि इतना लंबा अरसा रहे तो जाहिर बात है कि उकताहट हो जाती है, जैसा कि प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे, इतना लंबा अरसा तो अपने घर में रहे तो वालदेन के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ तो कभी नाराजगी, कभी खुशी, कभी गम, कभी कुछ, तो ये भी मेरा ख्याल है। मैं तो समनाबाद कॉलेज को अपना घर समझ बैठा हुआ था, और बल्कि मेरी बेगम सभा तो अक्सर मुझे कहा करती थी तुम कैंप लगा लो वहां पे, खेमा लगा लो, कैंपिंग खेमा लगा लो भाई भाई, और शायद सबसे पहले आने वालों में और सबसे बाद जाने वालों में शामिल हूं। बहरहाल अब कहीं अकोमोडेट तो होना पड़ेगा। कुछ लोग कहते होते थे घर नहीं जाता, तो मैं कहता हूं मैं तो बिन बुलाए अपने घर भी नहीं जाता, बेगम साहब अगर 3-4 फोन आ जाते तो नहीं जाते। कल वो खुद लेने आई थी भाई, पहले 30 साल पहले मैं उन्हें लेने गया था, कल वो मुझे लेने आई थी, अभी तक भी कुछ नहीं गया वापिस आ जाओ, कितने कहा जाएगा। खैर बहुत खुशी है कि आज ये तकरीब मुनक़िद हो रही है। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि जाहिर इतना लंबा सा रहते हुए कुछ नाराजगी, कुछ रंजिश, कुछ एक दूसरे के साथ इख्तलाफ़ राय की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, तो मैं समझता हूं कि चूंकि मेरा भी लंबा अरसा इस कॉलेज में काफी सारी जगहों पे रहने की वजह से, की पोस्ट पे जिसे कहते हैं, स्टाफ सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट का हेड था, और वो और बहुत बेशुमार थे, तो वहां पे रहने की वजह से शायद कई मसाइल भी पैदा होते हैं। सिर्फ आप वो क्या कहते हैं, अनइजीनेस लाइज विद द हेड दैट क्लियर्स द ग्राउंड, तो जाहिर है उसे पता होता है। जैसा अभी स्टाफ सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे जी के इतना लंबा अरसा ना रखा जाए ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरे इस क्याम के दौरान, चूंकि डे वन से डे लास्ट तक मैंने इसी कॉलेज में सर्व किया है, जब ज्वाइन किया पहले दिन यहीं पे किया था, और जिस दिन अब रिलीव हुआ हूं कल, तो फिर भी इसी कॉलेज से, जैसा स्टाफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि 33 साल 2 माह 15 दिन गालिबन 17 दिन बनते हैं, तो मैंने सारा वक्त इधर ही सर्व किया है। तो इसमें जाहिर है कुछ दोस्तों के साथ इख्तलाफ राय, कुछ के साथ कोई लड़ाई, कुछ के साथ नाराजगी, कुछ जो कुछ भी हुआ है, तो आज मैं खुले दिल के साथ ओपनली, अगर दानिस्ता ना दानिस्ता किसी के साथ कोई मेरे पार्ट पे कोई गलती सरजद हो गई है, तो मैं ओपनली माजत भी करता हूँ, माफी भी मांगता हूँ, और तवक्को भी रखता हूँ
कि शायद वो माफ कर देंगे। वैसे तो ये सिर्फ वसफ अल्लाह का ही है, बंदे नहीं करते, लेकिन फिर भी तवक्कु रखता हूं। और आज इस हॉल में भी इत्तेफाक से मेरे दो तालिब इल्म क्लास स्टूडेंट बैठे हैं जो बतौर प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। एक मौजूद जनाब स्टाफ सेक्रेटरी साहब, एक फारूक कैसर साहब हैं और एक और साहब भी हैं जो नहीं है। जाहिर है मैं आपको जुमला नहीं बोलूंगा कि बारह वो शायद हक़े उस्तादी न दे मुझे, लेकिन मैं उनको अपना शागिर्द समझता हूँ और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी करता हूँ। और ये जो नौजवान है इनके लिए यही जैसा सर भी कह रहे थे, तो जनाब सर्विस में हमने तो हमेशा अपने सीनियर से ही सुना है बॉस इज ऑलवेज राइट। पता नहीं अब पता नहीं लोगों का सर्व करने का मियार बदल गया है या बॉस ऐसे आने शुरू हो गए हैं तो इसलिए बहरहाल ये बात मुस्तनद है और अपनी जगह पे तयशुदा है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, हमें ओबे करना है, इनसबॉर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। और पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी ये कहते हैं कि कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होते थे लोग उनको देख के अपनी घड़ियां भी ठीक करते थे, लोग क्लास में ऐसे जाते थे। हम तो ऐसे साथ से पढ़े हैं। एक प्रोफेसर साहब ने घड़ी देखी थी आप यार मैंने कहा सारी बातें नहीं करनी, मैंने हाय ऐसे कहा आखिर में एक मरतबा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस जनाब अयूब साहब अभी शायद नमाज पढ़ के वापस नहीं आए, अयूब साहब का, स्टाफ सेक्रेटरी साहब का, डॉक्टर राव साहब का, आप तमाम अहबाब का जिन्होंने इस फंक्शन में शिरकत की और जिन्होंने नहीं की, सबका थैंक यू वेरी मच।